एवरीवन, अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कुछ वर्ड को। मार्केट इज बुलिश, मूड इज बुयंट, बुयंट ऐप टू फ्लॉट लाइट चीयरफुल इफेक्ट रजिस्टर हैंडसम गेन, अच्छा मुनाफा दर्ज करना। मार्केट इज बुलिश का मतलब कि मार्केट जो है बढ़ा हुआ है, हैंडसम गेन की तरफ है, लॉस की तरफ नहीं है। ये शेयर मार्केट के वर्ड हैं, बस दिमाग में आपको रहना चाहिए। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब सफिशियंट, पर्याप्त, कोई भी चीज़ एडिक्वेट मात्रा में है। बोर्ड्स इन एडिक्वेट नंबर हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस टू रेस्क्यू मैरॉन्ड पीपल इन फ्लड प्रोन एरिया। बोट्स का मतलब हो गया आपको नाव, जो छोटे नाव होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट सफिशियंट। कीप क्लोज विजिल, कीप क्लोज विजिल का मतलब स्थिति पर नज़र रखना, निगरानी बनाए रखना, कीप क्लोज विजिल। एडमिनिस्ट्रेशन इज कीपिंग ए क्लोज विजिल ऑन फ्लड सिचुएशन, प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, कीप क्लोज विजिल। नेक्स्ट देखिए, अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी, अलार्मिंग रेट। द वाटर लेवल ऑफ दीज रिवर्स इन गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट, मतलब खतरे की घंटी से आगे बढ़ रही है। लेट अप प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट, लेट अप का मतलब प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट। नो लेट अप इन फ्लड सिचुएशन, अलार्मिंग रेट खतरे की घंटी, नो लेट अप, नो प्रोग्रेस रिपोर्ट, नो इम्प्रूवमेंट। और वाटर लेवल ऑफ दिस रिवर इज गोइंग राइज ऑफ अलार्मिंग रेट। हाइक सोर, हाइक का मतलब वृद्धि, सोर। एक ही शब्द, कई शब्द एक ही मीनिंग के लिए होते हैं, वृद्धि। अंग्रेजी अखबार के शब्द देखिए, प्राइस हाइक सोर, मतलब कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसको कहते हैं प्राइस हाइक। प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोलियम प्राइस नॉट जस्टिफाइड, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फी हाइक, हाइक का मतलब बढ़ जाना, फी हाइक। आ गया ये स्टीप, स्टीप मतलब बढ़ा हुआ, स्टीप मतलब बढ़ा हुआ। एग्जेजरेटेड अनरीजनेबल, एग्जेजरेटेड भी कहते हैं इसको। स्टीप पेट्रो प्राइस हाइक इज जस्ट द बिगिनिंग, मनमोहन रेड्डी विथ मोर। स्टीप मतलब बढ़ जाना, तो पेट्रोल प्राइस स्टीप मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और स्टीप हाइक काफ़ी बढ़ा हुआ मूल्य। ये सब मार्केट से रिलेटेड वर्ड है। आपका कट डाउन, कट डाउन का मतलब टू लेसन, लेसन का मतलब कम करना, कट डाउन, कट डाउन मतलब कटौती, कट डाउन हाइक मतलब कटौती करना। पेट्रोलियम मिनिस्टर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी टू कट डाउन द प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, मतलब नीचे लाना। क्रूड, क्रूड ऑयल आपने सुना होगा बार बार, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेलों के दाम। द ग्लोबल क्रूड प्राइस हैड शॉट अप मतलब 10 कम हो गए हैं। क्रूड माने कच्चा तेल। सेंसेक्स का मतलब सूचकांक, सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स क्रैश्ड, क्रैश्ड का मतलब भी गिर जाना। देखिए यहाँ पे 666 पॉइंट। स्वेल, स्वेल का मतलब टू ग्रो, टू एक्सपैंड बढ़ जाना। द स्वेलन रिवर, नदियों के जलस्तर में वृद्धि, स्वेल टू बढ़ जाना, स्वेलिंग हो जाता है कहीं पे इंसान के बॉडी में, उसको भी बोलते हैं स्वेल। टू ग्रो बिगर, टू एक्सपैंड, ऐसे आपको याद करना है। टू पर्संस वेयर ड्रॉन नियरली 200 विलेज ऑफ द नालंदा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हैव एंड सेवरल एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वॉज सबमर्ज्ड बाय स्वेलन रिवर फॉलोइंग हैवी। सबमर्ज का मतलब डूब जाना, स्वेलन का मतलब भी डूब जाना, ग्रो करना। चलिए, ड्रोन माने
डूबना रॉन्ग, सिंक माने डूबना, फ्लड का मतलब जान रहे हैं, बार डाउन पोर सर्ज टू ग्रो, सर्जिंग वाटर चढ़ा हुआ पानी, ड्रॉन सर्जिंग वाटर ऑल्सो सबमर्ज द डिविजन डिविजनल जेल, चढ़ा हुआ पानी, सर्जिंग वाटर चढ़ा हुआ पानी। अब देखिए ब्रिज टू ब्रेक कोलैप्स, ब्रिज का मतलब टू ब्रेक टूट जाना, सॉइल इरोजन, इम्बार्कमेंट फिट ब्रिज कोलैप्स, इम्बार्कमेंट मतलब किनारे का जो होता है वो टूट जाना, इम्बार्कमेंट फिट ब्रिज, तटबंध का टूटना दरार पड़ना, इनगल्फ स्वेलो और इनअंडेट मतलब इसका होगा निगल जाना डूब जाना, इनगल्फ का मतलब भी डूब जाना निगल लेना, ये है। वॉर्सन टू मेक वॉर्स, बुरा से बुरा होना काफ़ी बुरा होना, वॉर्स वॉर्सन का मतलब बहुत बुरी स्थिति, फ्लड सिचुएशन वॉर्सेंड, बाढ़ की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, यह है। तो इस तरह से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।